नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। टारगेट किलिंग पर एक्शन। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर एक्शन लेते हुए केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के 7500 अतिरिक्त जवान तैनात करने का निर्णय लिया है और इसके तहत गृह मंत्रालय वहाँ सीआरपीएफ की 5 अतिरिक्त कंपनियां भेज रहा है। इससे अब राज्य में सुरक्षा बलों की कुल 55 कंपनियां हो जाएंगी। इससे पहले जम्मू कश्मीर में बीएसएफ की 25 और सीआरपीएफ की 25 कंपनियां तैनात थीं और अब ये फैसला गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सुरक्षा को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। शाह ने अक्टूबर के आखिरी में जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और राज्य से आर्टिकल 370 हटने के बाद ये शाह का पहला दौरा था। आतंकी राज्य में पिछले 48 घंटे में 2 हत्याओं, जिसमें से एक पुलिसकर्मी भी शामिल है, उसके बाद सीआरपीएफ के 5 कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया गया। ये तैनाती एक हफ्ते में पूरी की जा रही है। अक्टूबर के बाद से अब तक कश्मीर घाटी में 15 नागरिकों की हत्या की गई है और इनमें से कुछ गैर कश्मीरी भी शामिल है। हाल ही में पिस्टल से टारगेट किलिंग के मामलों में इजाफा हुआ है। इनमें से ज्यादातर जवानों की तैनाती श्रीनगर में की जाएगी, जहां पर नागरिकों की हत्या के ज्यादा मामले सामने आए हैं। श्रीनगर में हर दिन 15,000 लोगों और 8,000 वाहनों की हर रोज चेकिंग की जा रही है और इस दौरान सीसीटीवी, ड्रोन समेत तमाम तकनीकियों का भी सहारा लिया जा रहा है। जिन जगहों पर अल्पसंख्यक और गैर कश्मीरी लोग रहते हैं, वहाँ चेकिंग ज्यादा की जा रही है। चलिए तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में किस तरीके की गतिविधियां हैं। ग्राफिक्स आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 7500 जवान जो हैं वो अब तैनात होंगे। पिछले 48 घंटे में आतंकियों द्वारा 2 हत्याओं, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है, जिसके बाद सीआरपीएफ ने 5 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है और ये तैनाती एक हफ्ते में पूरी हो जाएगी। यानी कि 7500 और जवान जो हैं उनके तैनाती एक हफ्ते के अंदर पूरी होगी। ये आतंकवादियों के लिए उनके खिलाफ ऑपरेशन में अहम भूमिका भी निभाएंगे। जो जवान 7500 तैनात किए जा रहे हैं, अब ये ऑपरेशन में भूमिका निभाएंगे। घाटी में 15 नागरिकों की अब तक हत्या हो चुकी है। आपको बता दें कि अक्टूबर के बाद से घाटी में 15 नागरिकों की हत्या की गई है और इनमें कुछ गैर कश्मीरी युवक भी शामिल है। बताया जा रहा है कि हाल ही में पिस्टल से टारगेट किलिंग के मामलों में इजाफा हुआ है। ज्यादातर जवानों की तैनाती श्रीनगर में की जाएगी, जहां पर नागरिकों की हत्या के ज्यादा मामले सामने आए हैं। और इसके अलावा सीआरपीएफ के एक शीर्ष अधिकारी ने पुष्टि भी की है कि घाटी में चेकिंग और तलाशी अभियान जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि एलजी ने हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक की थी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई और इसमें उपराज्यपाल के अलावा डीजीपी, आईजी कश्मीर, एडीजीपी जम्मू और अन्य खुफिया समेत सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान घाटी में नागरिकों की मौत और आने वाले समय में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि एलजी ने सुरक्षा बलों को नागरिकों की सुरक्षा में सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये तमाम जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से टारगेट किलिंग को रोकने के लिए एक्शन लिया गया है, ये काफी अहम। चलिए तो इसी पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। ललन सिंह जी हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं ललन जी आप ही के पास आना चाहूंगी, किस तरीके से आप इस फैसले को लेते हैं, क्योंकि हालांकि काफी सराहनीय फैसला है, 7500 जवान जो है वो और तैनात किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जवानों का यहाँ पर दायरा जो है वो बढ़ता नजर आएगा। मुस्कान जी, ऐसा है कि जो 24 घंटे पहले और अब आप उसको 48 घंटे कहिए, बट मालू और डॉक्टर मेवा जो कि एक शोरूम चलाते थे घाटी के अंदर श्रीनगर में, वो 20 साल के बाद 2 साल पहले अपना शोरूम स्टार्ट किया था, लेकिन उनके एक सेल्समैन को लक्षित, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं टारगेट, जिसको क्लोज आर्म्स के द्वारा मार दिया गया। मैं बताना चाहता हूं कि मैं बटमालू में मैं सेवा किया हुआ है, लाल चौक से केवल 1 से 1.5 किलोमीटर उसकी दूरी है और वहां एक बहुत बड़ा बस स्टैंड है, तो उस भीड़ भाड़ वाले जगह पर एक एसपीओ से बना हुआ कन्वर्टेड सिपाही था, उसको इन्होंने हत्या कर दिया। ये मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो डॉक्टर मेवा जो वो अपने से अपने दुकान को चलाते थे, उनको इनकी मारने की सोच थी, लेकिन वो आधे घंटे पहले अपने
दुकान से निकल चुके थे और अफरा तफरी के अंदर ये जो क्लोज रेंज से टारगेट किलिंग हुआ उनके इब्राहिम सेल्समैन को कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये लगातार जो टारगेट किलिंग चल रहा है ये बहुत दुखद है और यही कारण है कि हमारे जो अमित शाह साहब हैं इन्होंने एक सोचा है और उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को बताया है कि हमें दिखना चाहिए कि हम अपने मानवीय बचाव को किस तरह से जमीनी स्तर पर पूरा कर रहे हैं। और यही कारण है कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के 5,500 और अर्धसैनिक बलों को वहां एस्टेब्लिश किया जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है वो मुस्तैद है, चौकस है, लेकिन जिस तरह से प्रवासी और बाहरी लोगों को, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, जरूरी है कि उनके साथ भी सुरक्षा की पूरी बंदोबस्त हो, जैसे और लोगों और खास करके VIP और पॉस और वाइटल पॉइंट और वाइटल इंस्टॉलेशन को की जाती है। तो यह बहुत जरूरी है। और एक कंपनी के अंदर 112 की स्ट्रेंथ होती है, अगर 5 कंपनियां आ जाती हैं तो जो घाटी का खास खास पॉस इलाका है वो पूरी चौकसी और बचाव में रहेगा। ये मेरा अपना सोच है। ठीक है सर्वेश्वर जी, आपके पास में आना चाहूंगी। आपने बातें सुनी ललन जी की, तमाम बातें उन्होंने बताई, आप इस अहम फैसले को किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई जो 7500 जवानों की तैनाती एक हफ्ते में पूरी की जाएगी, ये सही समय पर सही निर्णय है? देखिए मुस्कान जी, जो भी ललन सर ने कहा वो बहुत ही सटीक बातें बोली। वो रक्षा विशेषज्ञ हैं तो वो जो भी बात बोलते हैं उनका पूरा दायरा होता है और सटीक बातें बोलते हैं। ये जो भी मतलब 7500 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनात की जा रही है, ये जब गृह मंत्री हमारे श्रीनगर के दौरे पे गए थे तब उन्होंने पूरा जायजा लिया था और सब कुछ का जायजा लेके सुरक्षा व्यवस्था को देख के यह कदम उठाया गया है। श्रीनगर में पहले 25 CRPF की कंपनियां थी और 25 अलग मतलब पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां थी, अब 5 नई कंपनियों को भेजा जा रहा है, टोटल 7500 की संख्या हो रही है। तो इससे सबसे बड़ी होगी कि वहां पे जो सुरक्षा बल की तादाद में वृद्धि होगी, तो जो चेकिंग की जा रही है और वाहनों की चेकिंग में बहुत सहूलियत होगी, इससे जो आतंकवादी हैं वो भागने में सफल नहीं होंगे, क्योंकि वो कायराना हरकत करते हैं कि आते हैं छुप के कहीं से और गोली चला के या बम फेंक के, ग्रेनेड फेंक के भाग जाते हैं। और अगर सुरक्षा बल पर्याप्त मात्रा में होंगे तो वो जिस दिशा में भागे उधर उसको मतलब दौड़ा के पकड़ा जा सकता है या ऑन द स्पॉट उसको मारा जा सकता है। तो यह सरकार का एक सोचा समझा बहुत ही अच्छा निर्णय है और इसका हमें स्वागत करना चाहिए। और हमें ये बिलीव होना चाहिए कि जो वहां पे नॉन कश्मीरी हैं, जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा कदम होगा और सरकार उनकी सुरक्षा को ही ध्यान में रख के यह निर्णय लिया। बिल्कुल, मैं ललन जी आपके पास आना चाहूंगी। आप दोनों ने ये बहुत सही बातें कही हैं और ये बातें जो है वो वाकई जायज हैं, लेकिन ललन जी क्या वाकई 7500 जवानों की जो हमने तैनाती अब की है एक हफ्ते में होगी, मंत्रालय ने ये तैनाती जो निर्णय लिया है, क्या वाकई इस निर्णय से टारगेट किलिंग पर रोक लगाई जा सकेगी? क्योंकि जब तक हमें कूटनीति में बदलाव नहीं होगा तब तक हम कैसे तमाम चीजों को सुलझा पाएंगे? नहीं मुस्कान जी, आपने ठीक कहा, राजनीति और कूटनीति की और बातचीत संवाद लगातार जारी है। पाठक साहब ने जो बताया है, अभी यहाँ पे जमीनी स्तर पे हमें चौकस और उन लोगों के ऊपर पूरी दबाव बनानी पड़ेगी जो ISI और आतंकी संगठनों के द्वारा पूरी तरह ट्रेंड है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो क्लोज और टारगेट किलिंग हो रहा है उसका खास कारण क्या है। 3 दशक के अंदर अभी 35A और 370 हटने के बाद बहुत हालात बेहतर है अपेक्षाकृत। अब इस वजूद को बनाए रखने के लिए ये जो आतंकी संगठन है उन्होंने यही के लोगों से और अप्रत्यक्ष रूप से उनका बचाव करते हुए इस टारगेट किलिंग का ये मौका प्रदान कराने की कोशिश में है। लेकिन जब इस तरह के लोग हमारी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में आ जाएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता जो वो टारगेट किलिंग कर सके। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, रोड ओपनिंग और रोड प्रोटेक्शन जितने रूट है उसके ऊपर हमारे स्ट्रेंथ बढ़ने से पूरा इलाका कवर हो जाएगा। और जो खास खास पॉश इलाका है जहां पे अल्पसंख्यक या वो लोग जो प्रवासी हैं लेबर के तौर पे काम करते हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है।
अमित शाह साहब के आने के बाद इसके ऊपर बहुत जोर है, और ड्रोन से भी उस इलाके को जहां पे मजदूर रहते हैं उसको कवर किया जा रहा है। और जब ये हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो मैं मुस्कान जी ये बोलना चाहता हूं कि ठीक है, अगर संवाद की जरूरत है वो जारी रखना है। हमें आज आपको पता है कि हमारे सात देशों का अफगान के बाबत हमारे एनएसए चीफ बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, चीन और पाकिस्तान अपनी दूरी बना लिया है जो जो विस्तारवाद और आतंकवाद का पोषक है। तो घाटी उनका सबसे बड़ा रणनीति है, और हक्कानी आईएसआईएस के और तालिबान, और चाहे वो बांग्लादेश के मार्फत हो या नेपाल के माध्यम से हो, लेकिन इनका सोच घाटी के ऊपर पूरी जोर शोर से ऐसा हरकत करने का है जिससे भारत की आर्थिक सुरक्षा डिस्टर्ब हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो पाठक साहब ने बताया कि अगर वो कोई गिरने या क्लोज रेंज से तो इसी तरह का एक्शन करते हैं तो हमारी जो फोर्स है कितनी क्लोज कॉर्डन में होगी कि इनको बचने का सवाल ही नहीं है। और जब काइंड ऑफ फियर होगा तो मजा ही नहीं है, ये बहुत कमजोर और कैद टाइप के लोग हैं, ये हरकत नहीं कर पाएंगे। तो कूटनीतिक और राजनीतिक चलता रहे, लेकिन अब प्रहार आक्रमक बहुत जरूरी है, और तीन दशक में माहौल बहुत अच्छा हो गया है, केवल एक बार इनको और बर्बाद करने का समय आ गया है, जिसका निर्णय हमारे भारत सरकार ने और सुरक्षा बल ने एक्चुअली प्लान वे में कर चुके हैं। बिल्कुल, और ये निर्णय काफी अहम भी माना जा रहा है, अगर ये निर्णय सही समय पर है, क्योंकि जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है वो लगातार वहां पर, और गैर मुस्लिमों को भी वहां पर निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि आतंकवादी ये नहीं देख रहे हैं कि वो मुस्लिम है या फिर गैर मुस्लिम, जाति नहीं देख रहे हैं, वो सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ निशाना बनाना चाह रहे हैं, यानी कि उनका आतंक जो है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहे। और जिस तरीके से, मैं सर्वेश्वर जी आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहूंगी, जिस तरीके से आज एनएसए की बैठक हो रही है, सात देश उसमें शामिल है, पाकिस्तान और चीन दोनों ने ही जिस तरीके से ललन जी ने भी बताया कि दूरी बना ली है, ये वाकई वो चीज जाहिर करता है कि इन दोनों में, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चीन, इनके भीतर कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं भारत का, लेकिन बावजूद इसके मात्र अपना खोप बनाने के लिए आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, आपका कहना सही है कि जो कश्मीर में जो भी ये घटना हो रही है वो पाक समर्थित आतंकवादियों के द्वारा हो रही है, और जो घटना हुआ अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया, और उसके बाद जो है ये बहुत ही बड़ा मतलब कंसर्न है, यह केवल भारत का नहीं है कि भारत से अफगानिस्तान से सटे सीमावर्ती जितने भी देश हैं उन सबों के लिए भी यह चिंता का विषय है। तो इसीलिए आज हमारे देश में भारत ने तो पाकिस्तान और चाइना के एनएसए को भी बुलाया था, लेकिन उन्होंने उससे दूरियां बना ली। तो इससे क्या संदेश जाता है कि चाइना और पाकिस्तान तालिबान को समर्थन दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं भविष्य में वो भारत वर्ष के खिलाफ उसका उपयोग करेंगे। लेकिन हमारी देश की सरकार और हमारी सेना पूरी मुस्तैद है, और सरकार हर एक संभव प्रयास कर रही है, और उसी संभव प्रयास का ये नतीजा है कि आज हमारे भारत में और जो एनएसए की बैठक हो रही है आठ देशों की, तो यह एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। रही बात की जो आपने पहले पूछा था कि क्या इतने जवानों की तैनाती से टारगेट किलिंग रुक जाएगी, तो मेरा यह मानना है कि वो कायर आतंकवादी हैं, वो छुटपुट और छुपके अपनी घटना को अंजाम देंगे, लेकिन उसको रोकने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, और वो प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ये जो 7500 जो जवानों की तैनाती एक वीक में होगी, या उस क्षेत्र में तैनात होंगे जिस क्षेत्र में अल्पसंख्यक या हिंदू आबादी या मजदूर लोग जो काम करने वाले रहते हैं, और जैसा कि ललन सर ने भी बताया, आपने भी बताया अपनी रिपोर्ट में कि उस एरिया की पूरी ड्रोन से वो की जा रही है, मैपिंग की जा रही है, ड्रोन से तैनात वो उसकी निगरानी की जा रही है। तो ये सारे जो प्रयास हैं वो इन आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए, या एनएसए की बैठक हो या अतिरिक्त सेना बलों की तैनाती हो, और हमें विश्वास है कि एक न एक दिन हम इस पे विजय प्राप्त करके रहेंगे।
बिल्कुल, इस पर विजय प्राप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि अगर हमने ही नहीं इस पर समय से ध्यान दिया तो कहीं ना कहीं जो तालिबान अफगानिस्तान ने जो तालिबान कहा शुरू किया, पाकिस्तान अपने मन में ये जो ख्वाब लिए बैठे हैं कि वो भी इस तरीके से भारत के साथ कर सकता है, वो कहीं ना कहीं उसके ख्वाब ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे। ललन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान और चीन ने दूरियां बना ली है उस बैठक से, और जिस तरीके से सर्वेश्वर जी भी कह रहे हैं कि वाकई वो तालिबान के समर्थित है, लेकिन अब तालिबान में जो तमाम स्थितियां हम देख रहे हैं लगातार पिछले काफी लंबे समय से, जब से तालिबान ने पूरा वहां पर कब्जा किया, अफगानिस्तान की क्या स्थिति है वो हम देख रहे हैं, उसके बाद भारत में किस तरीके से उसका प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ मैडम आपके माध्यम से, कश्मीर को साधने की कारगर कवायद हमारी भारत सरकार की शुरू हो चुकी है। और ये भी मैं बताना चाहूंगा दूसरा खास पॉइंट कि सीमा कानून के हाल में चीन की नई जो शरारत है, जो उन्होंने कहा है कि हम जहां पे हैं वो मारी है, तो ये दो बातें। और तीसरी बात आपने जो पूछा है वो उसी से रिलेटेड है कि तालिबान के माध्यम से और हक्कानी और आईएसआईएस और इस तरह के आतंकवादी संगठनों के मदद से, और आपने देखा कि टीएलपी को इमरान खान ने माफ कर दिया, इन सभी को अपने साथ लेकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर वो एक बहुत बड़ा रणनीति अपना प्लान कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यकीनन बता सकता हूं आज के मीटिंग में भारत बहुत सतर्क है, और हमारे एनएसए चीफ अजीत डोभाल साहब, ये तीनों चीज के मिले जुले जानकार है, रक्षा, पुलिस और इंफॉर्मेशन फिट का। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आतंकवाद का कोई भी मौका अफगानिस्तान से ना हो, वहां से कोई सुनियोजित प्लान ना कामयाब हो, और इन्हीं कारणों का आज एजेंडा मेन है। और नंबर टू, उनके मानवीय हालात को सुधारने में अगर हम पूरे सात देश नहीं पूरी दुनिया अगर मददगार बन सकते हैं, तो तीसरे देश को उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी। और इसी के आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अफगानिस्तान में छोटी सी भी गलती हो गई तो अफगानिस्तान के तालिबान का जिस तरह से दिमाग ऊपर में पारा चढ़ा हुआ है, वो कश्मीर के अंदर अपने नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करेगा। तो मैं ये बताने में कोई हर्ज नहीं करता हूं कि इनको नेस्ताबूत अपने प्लानिंग से सामरिक दृष्टि से करना बहुत जरूरी है। ठीक है ललन जी, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से, सुरेश विजय आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो टारगेट किलिंग पर एक्शन केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सर्वेश्वर जी, मैं आपके पास अब आना चाहूंगी, कूटनीति की हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर कूटनीति में हमें किस तरीके से वो बदलाव करने चाहिए जिससे हमारे आंतरिक जो कहीं ना कहीं सुरक्षा का जो मामला अब लगातार उठ रहा है उससे हम पूरे तरीके से निजात पा सकें। देखिए, कूटनीति में जो बदलाव है वो, अगर जम्मू कश्मीर की बातें करें तो वहां पे हमारे इंटेलिजेंस को और मजबूत करना पड़ेगा। वहां पे जो हमारे भरोसेमंद आदमी है कश्मीर में, वो उनकी संख्या को बढ़ानी पड़ेगी और उनपे यह विश्वास जताना पड़ेगा कि भारत सरकार उनके साथ है। अगर कोई कायराना घटना अगर आतंकवादी करते हैं तो उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए या उनकी पूरी सुरक्षा देने के लिए सुरक्षा बल वहां पे तैनात है। तो भारत सरकार को अपनी जो पैठ है, जो आम नागरिक में है, कुछ स्लीपर सेल है, उसको उजागर करने के लिए वहां पे जो भारत सरकार के हितैषी हैं या जो भारत सरकार के पक्ष में हैं, उन लोगों को ज्यादा संख्या में हर एक गांव में, जैसे बीजेपी अगर चुनाव करती है तो बूथ मैनेजर होता है, ये होता है, उसी तरीके से हमें हर एक गांव में, हर एक कस्बे में, हर एक ब्लॉक में ऐसे लोगों की तैनाती करनी पड़ेगी सुरक्षा एजेंसियों को, जो भारत सरकार को समय समय पर इन
आतंकवादियों की जो सूचनाएं हो सुरक्षा एजेंसियों को देते रहें, जिससे कि समय रहते उस घटना को रोका जा सके। रही बात जो दूसरी बात, अभी 8 देशों के साथ जो NSA भारत में है और उनके साथ जो बातचीत चल रही है, तो उसपे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए इसमें कौन कौन से देश शामिल है। इसमें रशिया शामिल है, ईरान शामिल है, उज्बेकिस्तान शामिल है, कजाकिस्तान शामिल है, तुर्कमेनिस्तान शामिल है, फिर किर्गिस्तान शामिल है। और ये सबके सब क्या किस बात पे बहस कर, मतलब बातचीत हो रही है और एक कोऑपरेशन बन रहा कि जो अफगानिस्तान में ये तालिबानी आए हैं वो आतंकवादी घटना को बढ़ावा देंगे, ड्रग्स की स्मगलिंग ज्यादा करवाएंगे हमारे देशों में, उसके अलावा रेडिकलाइजेशन, जो यह बहुत बड़ा मुद्दा है। जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है कि जो यूथ हैं उसको रेडिकलाइज किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है और फिर उसको पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। तो इन सबों चीजों से हम कैसे निजात पा सके, तो इसी के लिए जो दोनों चीज महत्वपूर्ण है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, चाहे तालिबान के मुद्दे पे 8 देशों के NSA के साथ बातचीत। बिल्कुल, ये अहम बातें आपने बताई है। मैं इसी इन्हीं सवालों के साथ आपके पास ललन जाना चाहूंगा। जिस तरीके से बताया सर्वेश्वर जी ने, अगर जो तालिबान है उसने साफ कहा है जो आज की बैठक हो रही है वो इसीलिए ताकि अफगानिस्तान में किसी भी तरीके से जो आतंकवाद है उसको बढ़ावा ना मिले, लेकिन भारत तालिबान को पहले ही चेता चुका है कि अगर आप अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावे के लिए देंगे तो कहीं ना कहीं ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या उस भाषण का या फिर उस जो चेतावनी दी गई है तालिबान को, उसका कोई असर आप देखते हैं अभी तक? पहले तो मैं आपके बातों को पूरी दमखम के साथ समर्थन करता हूँ पाठक साहब का, कि अब घाटी के अंदर कश्मीरियत नहीं होगी, अब हिंदुस्तानियत होगी, उसमें कोई धर्म नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगी। और जब इस बात को लेकर हम चलेंगे कि हम भारतीय हैं और हिंदुस्तान के लिए हम अपना सब विकास और मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, तो बात ही खत्म हो जाएगी ये धार्मिक और कट्टरवादिता का। नंबर टू, आपने जो बोला है कि अफगानिस्तान के जमीन को किसी भी हालत में किसी तीसरे देश को उसका फायदा, खास करके आतंकवाद के मतलब बढ़ावा के लिए ना मिले, इसके लिए हम दमखम के साथ पूरी दुनिया को एक साथ कर चुके हैं। और तालिबान के प्रवक्ता ने इस बात को बेहतर ढंग से लोगों के बीच में कह भी दिया है कि हमारा जो जमीन है किसी भी तीसरे देश के लिए या किसी दूसरे देश के लिए कोई भी गलत काम के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश जो अपने को इस्लामिक कंट्री का खलीफा बनना चाहते हैं, OIC के माध्यम से मजबूती अपना पेश करना चाहते हैं, वो सभी लगभग हमारे क्वाड हमारे देशों के साथ बर्बाद हो चुके हैं। केवल बात इतनी है कि आज जो अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जितनी भी देशें हैं, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कल मोदी साहब के साथ ये 7 देश के राष्ट्रीय सुरक्षा का मिलेंगे और 1-to-1 ईरान और रूस के साथ हमारे NSA अजीत डोभाल की बातचीत होगी। तो मेरा कहने का मतलब साफ है कि एकदम तालिबान के ऊपर इस तरह का दबाव कि तालिबान को गलतफहमी ना हो कि पाकिस्तान हमें मदद करेगा और चीन मदद करेगा। चीन अभी हमारे दबाव में है, आज एयरफोर्स का एक सामरिक बैठक चल रहा है जिसमें राजनाथ सिंह जी अध्यक्षता कर रहे हैं, वो टॉप कमांडरों के साथ हमारे पहाड़ के बीच में हमारी जितनी दमखम है उसका तालमेल हो रहा है। कहने का मतलब साफ है कि अगर आंतरिक सुरक्षा को किसी तरह से अगर पाकिस्तान ने खेत पहुंचाने की इससे आगे कोशिश की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनको एक बहुत जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा। एक बात और बताना चाहूंगा जी। जो पाठक साहब ने भी बोला है कि इंटेलिजेंस, हमारे अमित शाह साहब ने बताया है कि आप बेहतर ढंग से जमीनी स्तर पे लीजिए और लोगों में महसूस हो कि हमारा जो सुरक्षा बल है वो उनके नीड टू नो बेसिस पे बेहतर ढंग से काम कर रहा है। अमित शाह साहब ने पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस के सीनियर अधिकारियों को चेताया भी है कि इस तरह का कोई लक्षित और टारगेट किलिंग नहीं होना चाहिए। और यह बहुत अच्छी बात है
गलतियों सुधारी जाती हैं, लेकिन गलतियों को छुपानी नहीं चाहिए, ये मेरा अपना सोच है। बिल्कुल, गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए और ये वाकई बहुत अहम बातें आपने बताई है। सर्वेश्वर जी, आपके पास आऊंगी, आपका आखिरी कमेंट इस पूरे मुद्दे पर चाहूंगी, समय की भी कमी है, पूरे मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती एक रणनीति के तहत की जा रही है और उसमें यह व्यवस्था की जा रही है जो वहां पे प्रवासी मजदूर हैं या माइनॉरिटी हिंदू हैं उनकी सुरक्षा की जाए, और ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। और इसी आतंकवाद की समस्या से निजात पाने के लिए भी आज हमारे NSA अजीत डोभाल जी 8 देशों के NSA के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, जिनमें आतंकवाद, ड्रग्स की समस्या, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक टेररिज्म, इस पे भी बातें हो रही है। और मैं भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो ऐसे कदम उठा रही है जो भारत वर्ष के सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है, और हम नागरिकों को भी उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश्वर जी और ललन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से दोनों ही हमारे विशेषज्ञों ने ये बातें बताई है, काफ़ी अहम ये बातें हैं। अब देखना होगा कि जिस रणनीति के तहत केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और टारगेट किलिंग पर एक्शन लिया है, वो कितना सही और कितना सफल साबित होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, आप जुड़े रहिए NB News के साथ। नमस्कार।